12th क्लास लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए मैं उपयोगी वीडियो लेकर आया हूं। देखो मित्रों, ये हमारा सी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस मान लीजिए कि हमारे क्वेश्चन नंबर 13 से 17 तक किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एरर्स के से रिलेटेड। देखो पहले कोई सा भी क्वेश्चन हो, पहले उसका इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ेंगे, क्या उन्होंने निर्देश दिया है। देखो इस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में है जेन एरर, एक मिस्टेक है, गलती है। आइडेंटिफाइड द एरर, उस गलती का पता लगाइए एंड अंडरलाइन इट, और उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। यहां पर इस इंस्ट्रक्शन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आई मीन मैंने कहने का अर्थ है कि ये सेंटेंस हमारे आंसर शीट में लिखेंगे और जहां पर गलती है उसके नीचे अंडरलाइन करके उसका करेक्शन बाद में लिखेंगे। एंड राइट द करेक्ट वर्ड एक्सप्रेशन इन द गिवन ब्रैकेट्स, यहां पर हमारे ब्रैकेट्स हैं इस तरह से और उनमें आंसर लिखना है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, इसमें हमारे प्रत्येक सेंटेंस में कोई ना कोई मिस्टेक है। सबसे पहले मिस्टेक्स को पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिस्टेक है, क्या इन्होंने हमारे लिए गलती करके सेंटेंस लिख दिया है। सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को देखता हूं जो उन्होंने 13 नंबर का उनको नंबरिंग की है। हम नाउन देखते हैं पहले, सबसे पहले हमने नाउन देखी पीपल, ये नाउन है। आगे देखिए ये भी नाउन है, डाइवर्स कल्चर्स। अब हम इसमें कोई गलती नहीं, पीपल होता है, उन्होंने प्लूरल फॉर्म में लिखा है। अब ये देखो मिस्टेक, ये हमारी मिस्टेक्स है, ये गलती है, ये हमें पता लगे। कारण बताओ मैं आपको, देखो ये इस वाली जो फ्रेज है ये सब्जेक्ट के रूप में आई है, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बनी है फ्रेज। अब इस फ्रेज का हेडवर्ड कौन सा है ये हमें पता करना होगा। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हेडवर्ड जब भी ये वाले जो इनको पोस्ट मॉडिफायर्स कहेंगे, पर हेडवर्ड के बाद में जो ऑफ प्लस वर्ड्स आएंगे, समझ लीजिए आप 12th क्लास आपका लेवल है तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, सीधा बताऊंगा, सीधी भाषा में समझिए। यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, इसके बाद में कुछ लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। तो हमें ये हमारा हेड वर्ड है इसको देखना पड़ेगा किस नंबर में है, प्लूरल नंबर में है। तो ये हमारी जो वर्ब है ये गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए, या इसके अंडरलाइन कर देंगे, यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर लीव होना चाहिए इसका करेक्ट, क्योंकि ये सिंगुलर है और इधर ये प्लूरल है। क्लियर हो गई बात? अब यहां इस वाले सेंटेंस में नाउन में मिस्टेक थी, नाउन के साथ सॉरी वर्ब में मिस्टेक थी। अब आगे चलते हैं, पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स लिव टुगेदर इन इंडिया, हमारा पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। इस वाले में देखते हैं टुगेदर सही है, इन इंडिया सही है, प्लेस से आगे इन प्रीपोजिशन आती है। देयर इज मेनी पीपल, देखिए यहां पर ये रही मिस्टेक, यहां पर इज गलत है। कारण बताऊं मैं आपको, हमारे जो देर होता है ये इस वाले जहां पर इसका यूज हुआ है इस सेंटेंस में, तो ये इंट्रोडक्टरी देर है, इसके अनुसार वर्ब नहीं आती, वर्ब इसके इस वर्ब के बाद में आने वाली नाउन के अनुसार आती है। तो मेनी पीपल है यहां पर, मेनी पीपल, मेरी बात को वापस रिपीट करता हूं, देर से सेंटेंस स्टार्ट है, इसको हम ग्रेमर की लैंग्वेज में इंट्रोडक्टरी देर कहेंगे। तो ये जो वर्ब है ये इसके अनुसार नहीं आएगी, ये इसके बाद में आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो नाउन कैसी है हमारे यहां पर, मेनी पीपल, तो यहां पर ये गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं अपन, हु एग्जिबिट यूनिटी, यूनिटी देखो आप यहां से देखते हैं, पीपल हु सही है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सही किया, क्योंकि इधर प्रश्न है, ये वर्ब सही है, क्योंकि इधर प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, जो दिखाते हैं यूनिटी एकता, ओन डाइवर्सिटी विभिन्नता में, पर नहीं विभिन्नता में। तो देखो यहां देखिए ये हमारा जो ओन है ये गलत है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, इन, यहां पर प्रीपोजिशन की मिस्टेक है। आगे चलते हैं अपन, दे सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स टूगेदर, देखो दे सेलिब्रेटेड, दे सही है क्योंकि पीपल के लिए दे प्रोनाउन आएगा, सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल सही है, तो सेलिब्रेटेड कैसे होगा, सेलिब्रेटेड नहीं हो सकता क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं सारा प्रेजेंट सिंपल में है। दूसरी बात, यहां पर मनाते थे, इसका अर्थ ये हुआ कि अब नहीं मनाते हैं, ये रोंग होगा,
तो मनाते हैं, तो जो काम नेचुरली हमेशा होता है वो प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं हम। तो देखो दे सेलिब्रेट, यहां पर ये गलत है, इसकी जगह क्या होगा सेलिब्रेट होगा, तो यहां पर आप सेलिब्रेट नोट कर दीजिए। फिर आगे चलते हैं, देखो ये वाला टुगेदर से ये हमारा साथ साथ मनाते हैं, आई लव बींग एन सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो आई सही है, आई के साथ में वर्ब सही है, बींग भी सही है होने के कारण, एन ये गलत है हमारा। वाई, क्योंकि सिटीजन के आगे में ए भरना है और सिटीजन का जो फर्स्ट साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड है स, तो हम उस कंडीशन में ए नहीं भर सकते, एन नहीं भर सकते, ए हमारा आंसर होगा। देखो यदि यहां से स्टार्टिंग साउंड किसी भी वर्ड नाउन की स्टार्टिंग साउंड वॉवल्स होगी, यानी अ से अह तक हमारी हिंदी की साउंड से हम सीख सकते हैं इसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एन भरना पड़ेगा, लेकिन यहां पर तो क्या आ रहा है, यहां पर स आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए क्या करेंगे अपन, यहां पर ये गलत है, इसकी जगह ए आएगा। तो इस तरह से देखो आपके एग्जाम से क्वेश्चन आने वाले हैं, यूनिट अच्छी है, ग्रामेटिक बेस पे है, और आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने आपके सिलेबस में इस यूनिट को रखा है। मित्रों ये यहां पर हम प्रैक्टिस से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, आपको अभ्यास करना होगा, इजी है लेकिन अभ्यास यहां पर जरूरी है, अगर आपने प्रैक्टिस की तो आपके नंबर माइनस नहीं होंगे। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं उनके भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा उनके एग्जाम में, तो वो भी इस चीज से फायदा ले सकते हैं। मैं आपको मेरे जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उनमें हर पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड कितने प्रकार की मिस्टेक्स या एरर्स हो सकते हैं उनको बताऊंगा, और उनके करेक्शन कैसे करेंगे वो आपको मेरे वीडियो से सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक्स।